आप भी बोर हो चुके हैं मल्टीप्लेयर गेम खेल खेल के और आप चाहते हैं कि भैया कुछ ऐसे गेम खिला दो भैया कि बस जी बोले वाह भाई वाह। चल गाइस आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए क्योंकि इस वीडियो पर मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे 10 हाई ग्राफिक्स प्लस ओपन वर्ल्ड पैसा वसूल गेम ले गए। कौन से वो गेम है आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्या टाइम वेस्ट किए, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट तो वेल गाइस जो हमारा फर्स्ट गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है अनचार्टेड लेगेसी ऑफ थीफ कलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, इस गेम को लेके काफी सारे गेमर्स बहुत ही ज्यादा टाइम से वेट कर रहे थे, प्लेस्टेशन के लिए था, बट ये फाइनली अब पीसी के लिए रिलीज हो चुका है। पब्लिश किया गया था सोनी इंटरक्टिव एंटरटेनमेंट के द्वारा एंड इसे डेवलप किया गया आर्वन गैलेक्सी के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम भी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो आपको भर भर के एक्शन और एडवेंचर देखने को मिलेगा, साथ साथ इस गेम में फिजिकल टास्क कंप्लीट करने पड़ते हैं जैसे कि जंपिंग, स्विमिंग एंड आपको दीवार पर चढ़ना पड़ेगा, तो काफी सारे आपको फिजिकल टास्क करने पड़ेंगे। सारे डेंजरस यहाँ पर आपको लोकेशन देखने को मिलेंगे, उससे आपको क्रॉस करना पड़ेगा एंड स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए आपको काफी सारे इंटरेस्टिंग पजल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस गेम में आपको अपने एनिमी से फाइट्स भी करना पड़ेगा, उनके कैंप को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। खेलोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ही ये गेम पसंद आने वाला है। ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करूं तो काफी अच्छा ग्राफिक्स क्वालिटी इस गेम में आपको देखने को मिल जाता है। गेम टोटली ऑल ओवर ओपन वर्ल्ड है, यहाँ पर आप पूरे मैप एक्सप्लोर कर सकते हो, काफी बड़ा मैप देखने को मिल जाता है। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 8 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें 2 GB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो i5 में गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो मिनिमम 126 GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे सेकंड गेम के ऊपर। वेल गाइस जो हमारा सेकंड गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है मार्वल स्पाइडरमैन माइल्स मोराल्स। तो गेम को रिलीज किया गया था 18 नवंबर 2022 को एंड वेल गाइस गेम टोटली न्यूली है। इस गेम को हम काफी दिनों से वेट कर रहे थे। गेम की बात करें तो गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम को डेवलप किया गया सॉफ्टवेयर के द्वारा एंड इसे बेसिकली पब्लिश किया गया प्ले स्टेशन पीसी LLC के द्वारा। इस गेम की स्टोरी स्टार्ट होती है पीटर माइल्स को ट्रेन करता है पूरे एक साल तक। गेम के एंड के बाद पीटर माइल्स को पूरे एक साल तक ट्रेन कर अब न्यूयॉर्क में दो स्पाइडरमैन है, ये पूरे न्यूयॉर्क को पता है रहता दोस्तों, वो स्पाइडरमैन का एक साइड कैरेक्टर है। अब राफ प्रेजेंट को रिबिल्ड करते हैं, ने जो पिछली गेम में मिस्टर सिक्स को जो हराया था वो कैदियों को राफ में शिफ्ट किया जाता है कि वायर टूट जाती है। माइल्स अपने आप को यूजफुल साबित करने के लिए कंटेनर की वायर को अपने जो स्पाइडरमैन का जो जाली होता है उससे पूरा फिक्स करता है, बट वो भी कुछ काम नहीं करता। लास्ट जो क्राफ्ट रहता है वो नीचे गिर जाता है, राइनो फाइनली आजाद हो जाता है। पर राइनो पीटर भैया को पूरा बेहोश कर देते हैं। अब पूरी बात माइल्स पे आ जाती है। माइल्स भैया को पता ही नहीं कि मेरे अंदर हिडन बायो इलेक्ट्रिसिटी का एक पावर रहता है एंड उससे माइल्स भैया पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वेल गाइस यहां से जो आपका मेन स्टोरी स्टार्ट होता है वाइल्ड कंप्लीटिंग मिशन, यहाँ पर आपको काफी अच्छा स्टोरी लाइन देखने को मिलने वाला है। इस गेम का जो ग्राफिक्स क्वालिटी दोस्तों वो तो पूछने का नहीं भैया, पूरा मजा आने वाला है। पूरा न्यूयॉर्क सिटी को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, गेम टोटली ओपन वर्ल्ड है, आप पूरा सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो, इधर उधर भटक फटक सकते हो। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 6 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 2 GB नीड है। दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो i3 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 35 GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के। तो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे थर्ड गेम के ऊपर। बल्कि जो मेरा थर्ड गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है सैंथ्रो 2022। तो एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया वैलेशन के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया डीप सिल्वर के द्वारा। गेम की बात करें कि सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें वेल गाइस सैंथ्रो की स्टोरी एंड एलेसर नाम के एक फिक्शनल सिटी पे बेस्ड है। हमारा मेन कैरेक्टर जिसे आप कुछ भी बुला सकते हैं स्टार्ट होती है मार्शल डिफेंस इंडस्ट्रियल से, प्राइवेट आर्मी जिसको सिक्योरिटी के लिए हायर करते हैं। मार्शल डिफेंस का जो लीडर है उसका नाम है एथिल मार्शल, भी मार्शल ब्रांच को पूरी तरह संभालता है, अपने क्लाइंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखता है। भाई दूसरे कोई मरे तो मरे लेकिन उनके क्लाइंट को कुछ भी नहीं होना चाहिए। मार्शल डिफेंस ज्वाइन करते हैं, हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है उसे एक मिशन दिया जाता है जहां के एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए भेजा जाता है। नोहाली को वो ऑलमोस्ट पकड़ ही लेते हैं एंड जो मेन कैरेक्टर रहता है वो नोहाली को जैसे तैसे पकड़ लेता है। आपका मेन स्टोरी स्टार्ट होता है, यहाँ पर आपको काफी इंटरेस्टिंग मिशन दिए जाते हैं। वाइल्ड कंप्लीटिंग मिशन दोस्तों यहाँ पर आपको काफी अलग अलग कार्ड्स देखने को मिलेंगे, काफी अलग अलग न्यूली वेपन्स चलाने का मौका मिलेगा। एंड सच बताऊं तो गेम टोटली ओपन वर्ल्ड, गेम का ग्राफिक्स लेवल का है एंड यहाँ पर ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध। इस गेम का जो मिनिमम टेस्ट सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो 4 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 1 GB नीड है एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो i3 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें 50 GB के आसपास स्पेस होना चाहिए इस गेम को प्ले। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे फोर्थ गेम के ऊपर। बल्कि जो हमारा फोर्थ गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है पुलिस सिमुलेटर पेट्रोल ऑफिसर एंड बल्कि इस गेम की बात करें तो गेम को रिलीज किया गया 10th नवंबर
2022 को, काफी न्यूली लॉन्च गेम है दोस्तों, एंड ये गेम आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। डेवलप किया गया एरिस इंटरएक्टिव के द्वारा, एंड बेसिकली इस गेम को पब्लिश किया गया एजन एंटरटेनमेंट के द्वारा, एंड बेसिकली ये गेम भी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें, जो भी डेली लाइफ में एक पुलिस ऑफिसर का ड्यूटी रहता है वो सभी आप इस गेम में करने वाले हो। आप चालान काटने वाले हो, क्राइम को रोकने वाले हो, साथ साथ पूरे सिटी को एक्सप्लोर करने वाले हो। तो भैया काफी मजा आने वाला है। ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो भैया काफी नेक्स्ट लेवल का ग्राफिक्स क्वालिटी इस गेम में आपको देखने को मिल जाता है। रियल लाइफ में पुलिस ऑफिसर का जो भी ड्यूटीज रहता है वो आप इस गेम में कर सकते हो। काफी मजा आने वाला है दोस्तों, इस गेम को जरूर से ट्राई करना। ओपन वर्ल्ड है, यहाँ पर आपको पूरा ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट देखने को मिल जाता है। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 8GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें 2GB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें 5 में गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें 10GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। साथ बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ गेम के ऊपर। जो मेरा फिफ्थ गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है गौतम नाइट। एंड दोस्तों गौतम नाइट की बात करें तो 2022 का एक न्यूली लॉन्च वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया वार्नर ब्रॉस के द्वारा। बेसिकली ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो गेम की स्टार्टिंग में हमें बैटमैन और एक अननोन असैसिन का फाइट दिखाया जाता है। वो अननोन असैसिन और कोई नहीं राज अल गुल रहता है, पर बैटमैन फाइट करते करते काफी इंजर हो जाता है एंड वो अब फाइट करने के हालत पे नहीं रहता है। इसके साथ वो अपने बैट केव को पूरे डिस्ट्रॉय कर देता है एंड उसी के साथ वो असैसिन भी हो जाता है एंड बैटमैन यहाँ पर अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। पर जो 4 अदर नाइट्स भी आते हैं एंड बैटमैन को खोजते हैं तब उन्हें बैटमैन का एक लेटर देखने को मिलता है। यहाँ से जो मेन स्टोरी आपका स्टार्ट होता है एंड यहाँ पर जो आपको अलग अलग 4 कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, आरो में अलग अलग स्विच कर सकते हो, मतलब वो पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेके आप गेम को कंप्लीट कर सकते हो। तो काफी मजा आने वाला है गेम खेलने में, वो काफी अच्छा स्टोरी लाइन देखने को मिल जाता है। मिशंस की बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग मिशंस देखने को मिल जाते हैं। गेम के सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 6GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 1GB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें इंटेल i5 में गेम आराम चल जाएगा। और स्पेस की बात करें तो मात्र 45GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को प्ले करने के लिए। वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ गेम के ऊपर। जो हमारा सिक्स्थ गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है गोट सिमुलेटर 3। एंड दोस्तों गोट सिमुलेटर 3 की बात करें तो 2022 का एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है। गोट सिमुलेटर 1 का एक सीक्वेंस गेम है दोस्तों, एंड इस गेम को रिलीज किया गया था 17 नवंबर 2022। काफी न्यूली लॉन्च गेम है दोस्तों ये भी, एंड इस गेम को डेवलप किया गया कॉफी स्टेन नॉर्थ के द्वारा। ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। इस गेम को आप मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो, सिंगल प्लेयर भी खेल सकते हो। यहाँ पर दोस्तों जो आपका मेन कैरेक्टर रहता है तो बेसिकली ये आप इसे आप मामूली गोट ना समझे, ये गोट कार चला सकता है, साइल लॉन्च कर सकता है, किसी को भी मार सकता है। गोट के पास अलग अलग टाइप ऑफ पावर्स है, तो मतलब मल्टी टैलेंटेड गोट इसको आप बोल सकते हैं। मैप है दोस्तों वो टोटली ओपन वर्ल्ड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप इधर उधर भटक पटक सकते हो, मतलब पूरा सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो। ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफी अच्छा ग्राफिक्स क्वालिटी इस गेम में आपको देखने को मिल जाएगा। साथ साथ गेम में आपको काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन देखने को मिलेंगे, एंड सच बताऊं तो जब आप इस गेम को खेलोगे तो आपको काफी आपको फनी मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 4GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 1GB नीड है। दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो वेल गाइस i3 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें 12GB के आसपास स्पेस का लगना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे सेवेंथ गेम के ऊपर। सेवेंथ गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है डाइंग लाइक टू स्टे ह्यूमन। जी हाँ दोस्तों, डाइंग लाइट टू स्टे ह्यूमन की बात करें 2022 का एक सर्वाइवर हॉरर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया टेकलैंड के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम भी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो भैया गेम में आप सिंगल प्लेयर भी खेल सकते हो एंड मल्टीप्लेयर का भी पूरा एक्सपीरियंस ले सकते हो। गेम की बात करें तो भैया गेम स्टार्ट होती है, तो वेल गाइस स्टोरी स्टार्ट होती है डाइंग लाइट 1 के 20 साल के बाद 2036 में। हमारे गेम का मेन प्रोटैगनिस्ट एडम कैनवा इन्फेक्टेड से बचते हुए एक ब्रिज में पहुंचता है जहां पर वो एक स्पाइक नाम के बंदे से मिलता है जो कि एडम की तरह ही एक पिलग्रिम रहता है। एक एडम को एक बड़े से घर पे ले जाता है। एडम देखता है कि वहां पर काफी सारे डेड बॉडीज एज इट इज पड़े हुए हैं। वहां पर लगे हुए एक पोस्टर पे जाता है जहां पर लिखा था वेलकम टू लास्ट पार्टी। एडम समझ जाता है कि यहां पर काफी सालों पहले एंड ऑफ द डे यहां पर लोगों ने एक पार्टी किया था। यहां से स्पाइक जो है दोस्तों एडम को एक रेडियो स्टेशन में जाने का मान देता है। तो दोस्तों जो मेन स्टोरी आपका स्टार्ट होता है यहाँ पर आपको
आपको DLM को खोजना पड़ता है एंड उसी के साथ आगे जो भी आपको मिशन है उसे कंप्लीट करना होता है। वाइल कंप्लीटिंग मिशन यहाँ पर आपको एक वॉलेटाइल लैम का एक क्रिएचर्स का सामना करना पड़ेगा और गेम तो है ही, साथ ही साथ काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर आपको मिशन भी देखने को मिल जाएंगे। गेम की बात करें तो गेम टोटली ओपन वर्ल्ड है, यहाँ पर आपको ओपन वर्ल्ड का एक्सपीरियंस होने वाला है, साथ ही साथ ग्राफिक्स क्वालिटी दोस्तों वो काफी आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो 6GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 2GB नीड है। दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो i3 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 60GB के आसपास स्पेस खाली लगना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आपका मन करा चलो यार थोड़ा जॉम्बी उम्बी को मार लिया जाए तो कूद फांद के जाओ एंड इस गेम को इंस्टॉल कर लेते। वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 8th गेम के ऊपर। जो हमारा 8th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है डार्क डेजर्ट रैली। जी हाँ दोस्तों, डार्क डेजर्ट रैली की बात करें फ्लोटिंग ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया है साइबर इंटरैक्टिव के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया है बिग मून एंटरटेनमेंट के द्वारा एंड बेसिकली ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो भैया गेम में आप बेसिकली रेसिंग करते हो, सुपर ट्रक्स चलाओगे, कार चलाओगे, अलग अलग मॉडिफाइड कार चलाओगे, तो भैया काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। गेम टोटली ओपन वर्ल्ड है दोस्तों, जब आप रेसिंग करोगे दोस्तों जो आपको एनवायरमेंट देखने को मिलेगा वो ओपन वर्ल्ड टोटली देखने को मिलेगा। तो अगर आप एक ऑफ रोडिंग ओपन वर्ल्ड रेसिंग वीडियो गेम खोज रहे हैं तो वेल गाइस डार्क डेजर्ट रैली सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है। ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफी ओपी ग्राफिक्स क्वालिटी इस गेम में आपको देखने को मिल जाता है। गेम के सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो 6GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 2GB नीड है। दोस्तों प्रोसेसर की बात करें i5 में गेम आराम चल जाएगा और स्पेस की बात करें तो 40GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर इस गेम को इंस्टॉल करने का तो खुद फोन के जाओ इस गेम को इंस्टॉल कर लो। वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 9th गेम के ऊपर। 9th गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है गन ग्रेव गर्वी। जी हाँ दोस्तों, गन ग्रेव गर्वी की बात करें थर्ड पर्सन एक्शन शूटर गेम है जिसे डेवलप किया गया है प्राइम मैटर्स के द्वारा एंड बेसिकली ये गेम भी आपके सी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो भैया गेम में बेसिकली आप एक किलर मशीन रहते हो जहां पर आपको अपने एनिमी बेस को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है एंड वाइल कंप्लीटिंग मिशन दोस्तों यहां पर आपको पजल सॉल्व करने का भी मौका मिलेगा, इससे आप आगे के स्टोरी को कंप्लीट कर सकते हो। गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफी रियलिस्टिक ग्राफिक्स क्वालिटी देखने को मिल जाता है, ओपन वर्ल्ड एनवायरमेंट का भी एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। इस गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो भैया 8GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 2GB नीड है। दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो i5 में गेम आराम चल जाएगा, स्पेस की बात करें तो 30GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को करने के लिए। तो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 10th गेम के ऊपर। 10th गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है नीड फॉर स्पीड अनबाउंड। जी हां दोस्तों, नीड फॉर स्पीड अनबाउंड की बात करें एक ओपन वर्ल्ड रेसिंग वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के द्वारा। बेसिकली ये गेम भी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें, गेम को आप सिंगल प्लेयर भी खेल सकते हो, मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो। ओपन वर्ल्ड एनवायरमेंट रेसिंग गेम खोज रहे हो तो भैया नीड फॉर स्पीड अनबाउंड सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है। ये टोटली न्यूली लॉन्च गेम है दोस्तों, इस गेम को आप जरूर से एक बार प्ले करना, काफी मजा आने वाला है। इस गेम में आपको काफी इंटरेस्टिंग सुपर कार देखने को मिलेंगे एंड दोस्तों जब आप इसमें रेस करोगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैक देखने को मिलेंगे। कंट्री के सिटी के मैप पे आप रेस करोगे तो काफी मजा आने वाला है। कॉम्प्रोमाइज काफी अच्छा ग्राफिक्स क्वालिटी इस गेम में आपको देखने को मिल जाता है। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो भैया सिर्फ 8GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 4GB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो वेल गाइस i5 में गेम आराम चल जाएगा, स्पेस की बात करें तो मात्र आपके 50GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए आपके पीसीएल लैपटॉप पे इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। कुछ 10 न्यूली लॉन्च गेम थे आपके पीसीएल लैपटॉप के लिए। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड अपने प्यारे रसगुल्ले दोस्तों से जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूं एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।